और आज भी मुझे कहना पड़ता है कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो यहां तक कहते हैं कि स्त्री तो अछूत है, स्त्री तो शूद्र है, स्त्री को तो व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, स्त्री को तो वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं, गायत्री का पाठ पढ़ने का अधिकार नहीं, स्त्री तो बहुत छोटी है। आज भी ऐसे ऐसे लांछन, ऐसी अनर्गल मिथ्यालाप लोग करते हैं। वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं, व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं, तमाम उल्टी सीधी बात करते हैं। और उनसे पूछो कि क्यों ऐसा क्यों कहते हो, तो वो कहते हैं कि स्त्री को व्यास गद्दी पर इसलिए नहीं बैठना चाहिए क्योंकि भागवत जी में कहीं लिखा नहीं है कि स्त्री को कथा करनी चाहिए। तो मैं उनसे पूछती हूं कि भागवत जी में ये कहां लिखा है कि स्त्री को कथा नहीं करनी चाहिए, ये कहां लिखा है? एक तो वो बात कहते हैं कि भागवत जी में ये वर्णन नहीं आता कि किसी भी स्त्री ने कथा कही हो, और दूसरा कहते हैं कि वो अपवित्र है इसलिए नहीं कर सकती। ये दोनों सिद्धांत देते हैं। और बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करना, मैं बड़ी शालीनता से आपसे कहूंगी, और शास्त्रों का सिद्धांत देकर, क्योंकि ये मेरे घर की मेरी स्वयं की बातें नहीं है, ये शास्त्रों का चिंतन है। श्रीमद् भागवत कथा में कहते हैं कि कहीं कहा नहीं है कि कथा कहे, नाम नहीं आया ऐसा। तो मैं आप सबको बता दूं कि पूरी भागवत कथा में राधा रानी का भी कहीं नाम नहीं आया है, और फिर भी राधा रानी के नाम के बिना कथा पूरी नहीं होती है। एक बार राधा नाम का शब्द या उच्चारण पूरी भागवत कथा में कहीं से कहीं तक नहीं आया। और राधा रानी यहां भागवत जी के रूप में साक्षात कृष्ण के साथ विराजमान है, तो यदि व्यास गद्दी से उतारना है तो पहले राधा रानी को उतारिए, वो भी तो स्त्री है। और जिस व्यास गद्दी पर बैठने की बात करते हैं कि व्यास जी की गद्दी है इसलिए नहीं बैठना है, तो उन्हीं व्यास जी की बात मैं आपको कहूं, उसी व्यास संहिता में, उसी व्यास स्मृति में व्यास जी का बहुत सुंदर कथन है कि पटितोयम द्विजः पूर्वमेक देहम स्वयं भुवः पतर्योर देनः चार देनः पत्नी भवन्त श्रुति। माने व्यास जी ने स्वयं कहा है कि पूर्व में एक ही मनुष्य की रचना हुई जिसमें आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का। पूर्व में जब रचना हुई तो एक ही मनुष्य की रचना हुई जिसमें से आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का। आपने अर्ध नारेश्वर का भी देखा होगा और भगवान शिव और शक्ति को भी आधा आधा कई बार चित्र में देखा होगा। पूर्व में आधा शरीर नर का और आधा स्त्री का रहा, और तब वो दोनों मिलकर के पूर्ण हुए। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूं कि आधा शरीर पुरुष का बनकर के कथा कहे तो पुण्य, और आधा शरीर स्त्री का बन के कथा कहे तो पाप? ये तो कोई सिद्धांत वाली बात नहीं हुई, ये तो बात कुछ हल्की सी रह गई। और दूसरी बात एक वो ये कहते हैं कि स्त्री अपवित्र है इसलिए कथा नहीं कर सकती। तो अपवित्रता तो अगर शरीर की बात करें, क्योंकि आत्मा में तो स्त्री पुरुष के कोई भेद नहीं है, और समस्त शास्त्रों का सार यह है कि आत्मा ही परमात्मा की प्राप्ति करता है, तो आत्मा में तो अंतर नहीं। बात यदि तुम शरीरों की करते हो तो शरीर रूप में अपवित्र यदि स्त्री है तो अपवित्रता तो पुरुष के शरीर में भी है।
आंख नाक कान मुख गुदा आदि सबसे मल मूत्र आदि गंदगी शरीर पुरुष का हो स्त्री का हो सबके शरीर से गंदगी निकलती है। और यदि स्पष्ट रूप से तुम ये कहना चाहो कि ये स्त्री अपवित्र इसलिए है क्योंकि वो मासिक धर्म के कारण अपवित्र है, तो फिर ये समझ लो कि जिस कर्म में धर्म जुड़ गया पहले तो वो अपवित्र नहीं होता। कहा मासिक धर्म, जहां धर्म है वो अपवित्र नहीं है। और फिर भी तुम मानते हो कि उस कारण से, उस गंदे रक्त के कारण से स्त्री ये अपवित्र हो जाती है, तो ये याद रखें वो विद्वान लोग कि उसी गंदे रक्त के निर्माण कर करके एक एक बूंद से 9 महीने गर्भ में रख करके उसी खून से सभी पुरुषों का भी निर्माण हुआ है। इसी स्त्री ने उन सब पुरुषों का निर्माण उसी गंदे रक्त से किया है। और यदि वो स्त्री अपवित्र है तो पुरुष भी पवित्र नहीं हुए। यदि स्त्री अपवित्र है तो उसी गंदे रक्त से तो पुरुष का शरीर बना है, तो फिर तो सभी अपवित्र हुए। और स्त्री व्यासपीठ पर इस कारण नहीं बैठ सकती तो पुरुष भी बड़े दूध के धुले नहीं है, वो भी नहीं बैठ सकते। और फिर भी तुम्हें पवित्रता के लिए प्रमाण चाहिए तो स्कंद पुराण से ले लीजिए। तुम पुराणों की बात करते हो तो पुराण से ही समझो। एक एक करके मैं शास्त्रों से, वेदों से, स्मृतियों से, पुराणों से, रामायण से सबसे मैं उदाहरण दे सकती हूँ, पूरे उदाहरण भरे पड़े हैं। पर बात यह है कि अध्ययन कौन करता है, बस जो मुंह पे आए बोल देना है। स्कंद पुराण में बहुत सुंदर कहा है कि गंगैव निर्मला नारी पूजनीया सदा सदा यतो हि सैव लोकेस्मिन् साक्षात लक्ष्मी मता बुधे। स्कंद पुराण स्पष्ट कहता है कि गंगा के समान स्त्री पवित्र होती है। गंगैव निर्मला नारी पूजनीया सदा सदा, वो सदैव पूजनीय होती है, गंगा के समान पवित्र होती है। और इस लोक की साक्षात वो लक्ष्मी होती है। तो पुराण सही कह रहा है कि तुम्हारे ये गपोड़े सही कह रहे? मैं बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है। आज भी कुछ तथा कथित लोगों ने यह विषय बहुत जोर से उठा रखा है कि स्त्रियां कथा नहीं कर सकती। या बहुत, मैं समझती हूँ कि वो अपनी छोटी बुद्धि का परिचय इस बात से दे रहे हैं। उनको जरूरत है कि थोड़ा स्वाध्याय करें, थोड़ा चिंतन करें और थोड़ा सा शास्त्रों का अध्ययन करें। और वो कहते हैं कि वेदों का अध्ययन भी नहीं कर सकती, वेद नहीं पढ़ सकती। बीच में एक ऐसा समय आया कि अपनी महत्वता बढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने यह कहा कि स्त्री यदि वेदों को सुन भी ले तो गरम गरम कांच को पिघलाकर इनके कानों में डाल दिया जाए, माने स्त्री वेद सुन भी न ले। उसका कारण यह था कि यदि स्त्री ने वेद पढ़ लिए और सुन लिए तो फिर तुम्हारी ये गफलत नहीं चलेगी, फिर तुम बहका नहीं पाओगे, फिर अपने चरणों की दासी नहीं बना पाओगे, फिर वो जागृत हो जाएगी, फिर वो चेतना में आ जाएगी, फिर उसको भी पता लग जाएगा कि तुम जो आज तक कहते आए वो झूठ है। और सबसे बड़ा प्रमाण मैं बड़े शालीनता के साथ देती हूं कि ऋग्वेद, जो हमारे यहां सबसे पुराना वेद है, जो साक्षात भगवान की वाणी है, साक्षात ईश्वर स्वरूप है, ऋग्वेद और यजुर्वेद के बहुत से मंत्रों की दृष्टा सृष्टा मातृशक्ति नारी शक्ति रही है। आप मात्र पढ़ने की बात करते हैं, इस नारी ने तो ऋग्वेद के बहुत से मंत्र लिखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं। यजुर्वेद में भी बहुत से मंत्र लिखे हैं और पढ़े हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कुशध्वज की पुत्री वेदवती का प्रमाण आता है कि उस वेदवती को बचपन से ही चारों वेद कंठस्थ थे, उसकी जुबान पर वेद विराजमान होते थे। और चारों वेदों को कंठस्थ होने का के कारण ही उसका नाम वेदवती पड़ा था।
ये बहुत गूण की बातें हैं, बहुत समझने और सोचने की बातें हैं, ये सामान्य बातें नहीं हैं। ब्रह्म देवता के 24 अध्याय में 84, 85 और 86 में श्लोकों में ऋग्वेद की ऋषिकाओं के वर्णन दिए गए कि ऋग्वेद को जिन ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उन मंत्रों को ऋषिकाओं ने स्त्रियों ने लिखा, उनका चरित्र कितना ऊंचा रहा होगा। जो स्त्री वेदों की रचना कर सकती है, वेद मंत्रों को लिख सकती है, उन मंत्रों को पढ़ सकती है, तो क्या उन मंत्रों को पढ़ा नहीं सकती, उन मंत्रों को बोल नहीं सकती? इस समाज से अंधविश्वास को दूर कर दीजिए, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति आत्मा को होती है, शरीर को नहीं होती है। और अधिकारी शास्त्रों को पढ़ने का वही है जो शास्त्रों का सम्मान करना जानता है। एक उदाहरण मैं देती हूं, जो ब्रह्म देवता के 24 अध्याय में आया है, 3 श्लोक है कि घोषा गोधा विश्ववारा अपालो पनिष्त्रिशत ब्रह्म जाया जुहु नाप्तिम अगस्त्यस्य स्वसादिति। इस तरह से 3 श्लोक आए हैं और उसमें स्पष्ट स्पष्ट लिखा है, ये विद्वानों की भाषा है और विद्वानों को ही मैं ये सूचित कर रही हूँ और ये कह रही हूँ कि वहाँ स्पष्ट आया है कि घोषा गोधा विश्ववारा अपाला उपनिषद निषद जुहु अदिति इंद्राणी शर्मा रोमशा उर्वशी लोपामुद्रा यमी शाश्वती सूर्या सावित्री, इन सबने ऋग्वेद के यजुर्वेद के मंत्रों की रचना की, बहुत से मंत्र लिखे हैं। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि उस समय में नारी का चरित्र बहुत ऊंचा था, हर व्यक्ति नारी का सम्मान करता था। लेकिन मध्य काल में जब मुगल शासन आया, मुगल काल आया, तो मुगलों ने इन स्त्रियों के अस्तित्व को नीचे दबा दिया। हर एक पुराण, देवी भागवत में तो स्त्री को साक्षात मां लक्ष्मी और साक्षात जगदम्बा माना है, साक्षात ये जगदम्बा है। इसलिए स्पष्ट याद रखें। और गायत्री मंत्र की भी अवहेलना करते कि गायत्री मंत्र भी जाप नहीं करना, क्योंकि गायत्री मंत्र तो स्वयं में ही देवी का रूप है, उसको सविता सावित्री मंत्र कहते हैं, तो स्त्री स्त्री की पूजा नहीं कर सकते, ये तो बड़ी विडंबना है।